अखिलेश का जबरा फैन भारत से थाईलैंड तक की साइकिल यात्रा निकालेगा। अखिलेश ने 2024 चुनाव के लिए समाजवादी कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया। कार्यकर्ताओं से कहा, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भाजपा सरकार की पहचान। भाजपा सरकार में गरीबों, पिछड़ों और दलितों के साथ हो रहा अन्याय। बीजेपी के राज में संविधान और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, इसलिए लोकसभा चुनाव में भाजपा को पराजित करना बहुत जरूरी हो गया है। 2024 चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने समाजवादी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है, साथ ही जीत का मंत्र भी दे दिया है। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि चुनावी तैयारियों के बीच अखिलेश खुद ही कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर काफी खुश हैं। दरअसल कार्यकर्ताओं में अखिलेश यादव को लेकर इस तरह की दीवानगी है कि अखिलेश का एक जबरा फैन जो करने जा रहा है और उसकी भनक लगता ही समाजवादियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अखिलेश को जब इस बात की जानकारी हुई तो वो खुद ही उससे मिलने चले आए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने शुक्रवार को शामली के विकास जयजनिया से भेंट की। विकास पर्यावरण संरक्षण के मिशन को लेकर भारत से थाईलैंड तक साइकिल यात्रा करेंगे। अखिलेश यादव ने उनके साहस तथा पर्यावरण प्रेम की प्रशंसा की और उनका उत्साहवर्धन किया। और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची पर निगाह रखने को अपील की है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में चुनाव में जमकर धांधली की गई, भाजपा सरकारी संसाधनों से चुनाव को प्रभावित करती है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, मतदाता सूची पर निगरानी रखने और व्यापक जनसंपर्क करने की अपील की है। साथ ही भाजपा राज्य विकास कार्य न होने का आरोप भी लगाया। दरअसल अखिलेश यादव शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर सोनभद्र और मिर्जापुर के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा के सत्ता के दुरुपयोग करने के बाद भी वो अधिकतर क्षेत्रों में पराजित हुई। नगर निगम के चुनाव में जमकर धांधली की गई, भाजपा सरकारी संसाधनों से चुनाव को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में कोल, बिंद, गोंड, सियार, निषाद और खरवार जातियां हैं, लेकिन उनके विकास के लिए कुछ नहीं हो रहा। जमीन के पट्टे के आवंटन में धांधली की शिकायतें हैं। जो काम समाजवादी सरकार में हो रहे थे उन्हें भी रोक दिया गया। भाजपा सरकार आदिवासियों के साथ छलावा कर रही है। अखिलेश ने आगे कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भाजपा सरकार की पहचान है। गरीबों, पिछड़ों और दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। संविधान और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, इसलिए लोकसभा के चुनाव में भाजपा को हराना बहुत जरूरी हो गया है। उधर सोनभद्र के सपा कार्यकर्ता जुबेर आलम ने इस पिछड़े क्षेत्र की भाजपा राज में हो रही उपेक्षा का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव को ज्ञापन सौंपा। इस पर अखिलेश ने कहा कि दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के बबनी ब्लॉक के ग्राम पोखरा में वर्ष 2013-14 में एक डिग्री कॉलेज बनवाया गया, लेकिन यह आज तक चालू नहीं हुआ। वहीं अखिलेश यादव से शुक्रवार को शामली के विकास जयजनिया ने भेंट की। विकास पर्यावरण संरक्षण के मिशन को लेकर भारत से थाईलैंड तक साइकिल यात्रा करेंगे। अखिलेश यादव ने उनके साहस तथा पर्यावरण प्रेम की प्रशंसा की। इस तरह अखिलेश यादव लगातार कार्यकर्ताओं से मिलकर 2024 की प्लानिंग दुरुस्त कर रहे हैं और बीजेपी को पटखनी देने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में अखिलेश यादव ने पहले से यूपी के एक एक गाँव के एक एक बूथ पर जाकर खुद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें जीत का मंत्र देने का ऐलान कर चुके हैं। इसकी तैयारियां भी शुरू की जा चुकी है और अखिलेश लगातार कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ लॉन्चर।